Hey guys, what's going on? आज हम लेके आ गए हैं स्टूडेंट यार्ड पे आपके लिए कंपैरिजन बिटवीन जेल पेन्स। गाइज आज हमारे पास बहुत सारे पेन मौजूद हैं जो कि सारे 10 रुपए या उससे अंदर की प्राइस के हैं। आज हम बताने वाले हैं इनमें से आपके लिए बेस्ट पेन कौन सा रहेगा, तो स्टे ट्यून। तो गाइज हमारे पास आज कई सारे ब्रांड्स के पेन मौजूद है, जैसे कि फ्लेयर है, लग्जर है, क्लासमेट है, मोंटेक्स है, एड है, क्लैरो है एंड रेनॉल्ड्स है ना। और भी काफ़ी सारे गाइस ब्रांड्स हमारे पास मौजूद है और इन सभी ब्रांड्स को आज हम कंपेयर करने वाले हैं, है ना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं गाइस, ये जो कंपैरिजन है वो कुछ फैक्टर पे बेस्ड है, जैसे कि पेन की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, पेन पकड़ने में कैसा फील करता है। सेकेंड है ग्रिप, आप क्या उसकी ग्रिप कैसी है, आप उसको पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, लॉन्ग टाइम तक आप लिखेंगे तो आपके हाथ में पेन होगा गाइस। थर्ड इज स्मूथनेस, क्या पेन बीच में लिखते लिखते बंद तो नहीं हो जाता, क्या अटक तो नहीं रहा, स्मूथनेस कैसी है। फिर है अगला फैक्टर है गाइस कलर, इंक का ब्लू, यहाँ पे गाइस जो भी पेन हम यूज कर रहे हैं सारे के सारे ब्लू कलर में है, जैसे कि आप एक कंपैरिजन लगा पाए कि यार ब्लू कलर किस पेन का कैसा है ना, कुछ लाइट है कुछ डार्क है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला टेस्ट होगा गाइस स्मज टेस्ट, कई बार हम लिखते लिखते ऐसा हमारा हाथ लग जाता है तो एकदम से पूरी इंक स्मज हो जाती है, ठीक है, फैल जाती कॉपी पर, तो हम वो भी चेक करेंगे कि इंक ड्राई होती है कि नहीं जल्दी, ठीक है। एंड गाइस अल्टीमेट टेस्ट, वाटर प्रूफिंग टेस्ट गाइस, ऐसा आपने पूरे YouTube पे नहीं देखा होगा, वो आज हम इन सभी पेन्स का करने वाले हैं। तो गाइस हमारे साथ एंड तक बने रहिए एंड आई कैन गारंटी ये वीडियो इज गोना हेल्प यू अ लॉट, ठीक है गाइस। साथ ही साथ मैं एंड में आपको बताने वाला हूँ मेरे कुछ स्पेशल रिकमेंडेशन और लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि मेरे लिए मेरे टॉप 3 पेन्स कौन से हैं जो आपको लेने चाहिए गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ओके गाइस, तो हमने हमारे सारे पेन्स यहाँ पे अरेंज कर लिए, मैं बता देता हूँ हम किन किन पेन्स को कंपेयर करने वाले हैं गाइस। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास पेंटोनिक गाइस, बहुत ही ज़्यादा फेमस पेन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है क्लासमेट का ऑक्टेन, देन हमारे पास आ रहा है गाइस रेनॉल्ड्स का रेसर जेल, उसके बाद हमारे पास आ रहा है मोंटेक्स का अगेन विनर, देन हमारे पास आ रहा है गाइस ऑक्टेन का ग्लाइड बॉल, ये जेल पेन कंपैरिजन है, बॉल गाइस बॉल बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। बॉल पेन का भी कंपैरिजन है, वो बाद में बात करेंगे, ओके। उसके बाद हमारे पास आ रहा है गाइस एड का एक्सेस जेल करके कोई पेन है ना, फ्लेयर कमिंग अप, फ्लेयर टेक्नो जेल है ना। और फिर हमारे पास है गाइस यहाँ पे एक पांच वाला अगेन फ्लेयर का हाइड्रा जेल, आप यहाँ पे फोकस, ओके, फ्लेयर का हाइड्रा जेल। देन हमारे पास आ रहा है गाइस ये कोई ब्रांड है उनोमैक्स और यूनोमैक्स, आई डोंट नो, उसका नाम है गाइस जेल्ट्रॉन जेल, उनोमैक्स जेल्ट्रॉन जेल। देन वी हैव गोल्डेक्स, ओके, गोल्डेक्स का कौन सा पेन है, गोल्डेक्स का कीवी जेल करके गाइस, वी हैव अ पेन गोल्डेक्स का कीवी जेल। देन वी हैव अ पेन फ्रॉम फ्लेयर, देन दिस इज कार्बोनिक्स जेल, अगेन अ फ्लेयर। देन वी हैव गाइस रेनॉल्ड्स का जिफी जेल, है ना, वी हैव अ जिफी जेल ओवर हियर, यू कैन सी, है ना। और गाइस लास्ट में दो स्पेशल रिकमेंडेशन है मेरी, वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, वो मैं एंड में आपको बताऊंगा कि वो दो पेन कौन से हैं, ठीक है गाइस। तो ये सारे पेन हमारे पास आ गए हैं, हम एक एक करके लिखना चालू करते हैं, हमने जो जो पैरामीटर देखे थे उनके ऊपर हम इनको कंपेयर करना चालू करते हैं, ओके। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास एक ये नॉर्मल A4 शीट्स है, मैं आपको बता देता हूँ ये नॉर्मल A4 पेपर है जिन पे मैं इसका टेस्ट करने वाला हूँ ना, नॉर्मल जो फोटोकॉपी पेपर होता है वो है ये गाइस, है ना, ओके। तो ये हल्का सा स्मूथ पेपर ही है, ज़्यादा रफ भी नहीं ज़्यादा स्मूथ भी, नॉर्मल A4 पेपर है, ओके गाइस। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है हमारा पेंटोनिक, ओ भाई साहब गाइस मैं क्या बताऊँ आपको, इस पेन की कितनी डिमांड है, दिस इज वेरी सेक्सी पेन गाइस, है ना, और मैं कंपेयर करता हूँ उसको, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस इसका कंपैरिजन। तो ये जो पेंटोनिक है इसका जो डायमीटर है बेसिकली पॉइंट है वो 0.6 mm का है बेसिकली, है ना गाइस। और आप देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है ना, एक यूनिबॉडी टाइप का डिज़ाइन है, ठीक है, सॉलिड एकदम डिज़ाइन सॉलिड दिया हुआ है कंपनी ने, सिंपल डिज़ाइन है, बहुत ही सिंपलिस्टिक डिज़ाइन है, बट डिज़ाइन एट द सेम टाइम सिंपल होने के साथ साथ काफ़ी अपीलिंग है गाइस, है ना। ये ब्लैक कलर में मैंने लिया हुआ है, आई डोंट नो ये दूसरे कलर में आता है कि नहीं, आता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। और ये इसका पॉइंट देख सकते हैं गाइस आप, यहाँ इसका पॉइंट देखिए गाइस यहाँ पे आप, ठीक है, ये पॉइंट है इसका, तो ओवरऑल कहीं से खोलता है कि नहीं आई एम नॉट श्योर, यहाँ से इसको शायद खोल सकते हैं बट इसमें ऐसा कुछ खोलने का सिस्टम नहीं है, ये यूज एंड थ्रो पे आई थिंक काम करता है मेनली, है ना। तो हम लिख के देखते हैं गाइस, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है ना, सॉलिड है, लाइट वेट है, और मतलब ऐसा चीप फील नहीं करता है हाथ में, क्वालिटी है, सॉलिड प्लास्टिक्स में यूज़ किया गया है, ओके। तो गाइस हम इसको लिख के देखते हैं कुछ कि कैसा ये काम करता है, तो मैं क्या लिखूँ, मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट यार्ड के बारे में कुछ लिखते हैं गाइस, तो देखते हैं, I love student yard. Okay, guys, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हमने लिखा है किससे, पेंटोनिक से, पेंटोनिक,
ओके गाइस, पेंटोनिक, और इसकी जो कंपनी है दैट इज लिंक, है ना? हाँ यस, लिंक से, लिंक हमें ये इंडिया में लेके आता है ये पेंटोनिक पेन। ओके गाइस, तो ये आपने देखा, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी दिखा देता हूँ मैं आपको फोकस, कुछ इस टाइप से इसकी गाइस क्वालिटी है, और नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस ओवरऑल पेन मुझे कैसा लगा, पेन काफ़ी स्मूथ है, इसका जो कलर है इंक का वो नॉर्मल ब्लू जो आता है, नॉर्मल ब्लू शेड है, ना लाइट है ना डार्क है, अच्छा शेड है बेसिकली, और चलने में भी ठीक ठाक स्मूथ है। वाटरप्रूफ है कि नहीं ये मैं भी नहीं कह सकता, वाटरप्रूफिंग हम एंड में सबके साथ में करने वाले हैं। स्मज की अगर मैं बात करूँ तो स्मज यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ आपको गाइस, कुछ देखिए यहाँ पे स्मज, ठीक है ये, हाँ तो गाइस स्मज इतना ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का सा स्मज हुआ है पेन, आप देख सकते हैं ज़्यादा स्मज नहीं है गाइस, है ना? ओके तो आगे बढ़ते हैं गाइस, हमारा ये था नंबर वन पेन, ठीक है आगे बढ़ते हैं ना हमारे नंबर टू पेन के पास, तो पेंटोनिक ओके। अगला आ रहा है गाइस, अगेन अ वेरी पॉपुलर पेन, दैट इज़ क्लासमेट का ऑक्टेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस ये ऑक्टेन है, ओके ये देखिए गाइस ये रहा क्लासमेट का ऑक्टेन है, ये मेरे पास एक ये नियॉन कलर में मुझको यहाँ पे मिला हुआ है, इसका जो ब्लैक कलर आता है, जो ब्लैक कलर आता है वो भी मुझे काफ़ी पसंद है, ये नियॉन अभी आई थिंक नए आए, जब मैं स्कूल में था तो वो बस एक ब्लैक चलता था, ठीक है। तो गाइस बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं हमारे ऑक्टेन की, तो अगेन गाइस वेरी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी हमको यहाँ पे मिलती है, पकड़ने में काफ़ी सॉलिड फील करता है, कहीं से भी चीप फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आती है गाइस इसमें, और अंदर भी इसको खोल के देखते हैं हम, ठीक है। इसकी ग्रिप की बात करें गाइस हम, ग्रिप तो ग्रिप के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक रबराइज्ड फिनिश है जिस पे लाइंस ऐसी बनी हुई हैं गाइस, है ना? तो काफ़ी बढ़िया ग्रिप है, ग्रिप में मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है गाइस कहीं से भी, बढ़िया ग्रिप है इसकी, ठीक है। और इसका पॉइंट आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे, इसका ये गाइस यहाँ पे आप पॉइंट देखिए फोकस, ओके देखिए गाइस इसका ये कुछ इस टाइप का पॉइंट है, और ये इसका ओवरऑल लुक है, है ना गाइस? ओके तो ये तो बात हुई बिल्ड क्वालिटी की, ओवरऑल आप सभी ने मैक्सिमम आई थिंक यूज़ किया होगा इस पेन को, तो मैं लिख के बताता हूँ उससे कैसी क्वालिटी मुझको उसकी लगती है। सेकंड हमारा पेन है यहाँ पे, ओके इट इज़ स्मूथर देन द पेंटोनिक आई गैस, मैं फिर से लिखता हूँ आई लव स्टूडेंट यार्ड, फिर मैं लिखता हूँ गाइज ये किस रूप लिखा गया है, क्लासमेट, क्लासमेट का ऑक्टेन, ओके और यहाँ पे हम साथ ही साथ स्मज टेस्ट भी कर देते हैं इसका, स्मज ओके। तो गाइज इसका स्मज भी काफ़ी कम है, मतलब ज़्यादा स्मज बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आई थिंक पेंटोनिक से भी हल्का सा कम ही लगा मुझे इसका स्मज। इंक का जो टेक्सचर है गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंक का जो टेक्सचर है वो काफ़ी मतलब बोल सकता हूँ मैं ये डार्क ब्लू है, और पेंटोनिक का इससे थोड़ा सा लाइट था, इससे इसका थोड़ा सा गाइस थोड़ा सा डार्क टेक्सचर है, मुझे ये डार्क टेक्सचर वो भी अच्छा है, दोनों मुझे दोनों ही पसंद आए। और स्मूथनेस की बात करें तो गाइस पेन वॉज रियली वेरी स्मूथ, काफ़ी स्मूथ था, पकड़ने में भी कंफर्टेबल है एंड अच्छा पेन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेन की ओर, तो ऑक्टेन हो गया, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट पेन आ रहा है गाइस हमारे पास यहाँ पे मोंटेक्स का, यहाँ पे गाइस हमारे पास मोंटेक्स का है विनर, ठीक है मोंटेक्स का इसका नाम है गाइस, मोंटेक्स विनर जंबो जेल पेन, ठीक है इस टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके तो उसको खोल लेते हैं, ये क्या क्या बोलता है, पॉकेट साइज पेन, वाटर प्रूफिंग, जंबो रिफिल, अट्रैक्टिव फॉइल बॉडी, एंगल ग्रिप, ओके ठीक है, RGB में अवेलेबल है, रेड ग्रीन ब्लू, ओके ग्रीन में अवेलेबल नहीं है गाइस, ओनली रेड ब्लू एंड रेड ब्लू एंड ब्लैक में अवेलेबल है, ठीक है इसको खोल लेते हैं। इसकी कॉस्टिंग भी वही 10 रुपये है हमारे पास गाइस, हाँ मैं इन दोनों की कॉस्ट बता दूं, पेंटोनिक और ऑक्टेन दोनों आपको 10-10 रुपये में मिल जाते हैं गाइस, है ना? हाँ साथ में ओके, तो उसको पकड़ते से ही पेन को ना ये आप देख सकते हैं, पहले मैं दिखा देता हूँ पेन आपको, ये है हमारे पास मोंटेक्स, कुछ इस टाइप से है ये इसका नेब, आप देख पा रहे होंगे, तो ये कुछ इस टाइप का पेन है। ओके तो बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की गाइस, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी यार मतलब हैवी पेन है, मतलब हैवी नॉट इन द सेंस ऑफ वेट मैं बोल रहा हूँ, इन सेंस ऑफ क्वालिटी मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा पेन मुझको लगा, और ब्लू कलर में तो काफ़ी प्यारा लग रहा है गाइस, है ना? इसको ओपन करते हैं, इसकी जो ये ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा ढीली है, बट इट्स ओके खुलने बंद चलने में इट इज़ नाइस। ओके अगली चीज़ गाइस ग्रिप, यहाँ पे गाइस ग्रिप में कोई भी रबराइज फिनिश नहीं दी गई है, बट यहाँ पे एक अच्छी बात जो मुझे लगी इसके में, आप अगर यहाँ पे देख पाएँ तो गाइस यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे यहाँ कटे हुए सेक्शंस कुछ दे हुए आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए टिश्यू,
ये सीधा है फिर यहाँ पे ऐसा कटा हुआ सेक्शन है। तो गाइस ये जो ट्रायंगुलर ग्रिप टाइप की इसमें दी गई है ये काफ़ी मुझे अच्छी लगी। इसको पकड़ने में अगर आप, मैं तो ऐसे पकड़ता हूँ पर इनको बड़ा ही वियर्ड सा स्टाइल है। अब मेरी मम्मी ने मेरे को ऐसे ही सिखाया था लिखना, तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ गाइस, आदत है मेरी। ओके, बट जो बच्चे ऐसे पेन पकड़ते हैं, तीन उंगलियों से ऐसे पेन पकड़ते हैं जो कि मैक्सिमम आई गेस करते हैं, उनके लिए काफ़ी प्यारी ग्रिप आती है। दो उंगलियाँ यहाँ, एक यहाँ पे सेटल हो जाती है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो नेब है ये काफ़ी मोटा है। ये कितने mm का पेन है? ये 0. आई हैव टू चेक कहाँ पे मेंशन है गाइस, ये 0.0 कहीं मेंशन ही नहीं है क्या यार? मॉन्टेक्स बिना बताए काम कर रहे हो यहाँ पे, ढक्कन पे लिखा है क्या? तो गाइज मुझे नहीं पता ये कितने, इसका डायमीटर निप का कितना है, यहाँ पे 0.657 कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये मॉन्टेक्स के वेना जेल का डाया कितना होता है गाइज। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, हम इसे कुछ लिख के देखते हैं। देखने पे तो लग रहा है गाइज 0.67 है। थर्ड इस ओके आई, यहाँ पे आप देख सकते हैं लव स्टूडेंट यार्ड। और गाइज सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाल बटन दिख रहा होगा है ना, स्टूडेंट यार्ड को सब्सक्राइब करो, ऐसे बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ आपके लिए गाइज। ओके, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा सकता है पर चलता है यार। ओके, ये किससे लिखा है गाइज हमने? ये हमने लिखा है विनर। ओके, मॉन्टेक्स, मॉन्टेक्स का विनर, ठीक है गाइज। ओके, और इसका स्मज टेस्ट भी कर देते हैं साथ में, स्मज। ओके, तो इसका स्मज जो था वो रिलेटिवली ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू पेंटोनिक एंड क्लासमेटा में। आप देख सकते हैं गाइज कि ये वाला जो स्मज है ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इन दोनों से, है ना। बट ठीक है, थोड़ा सा सूखने के बाद हो जाएगा वो। और कलर की मैं बात करूँ तो ये ऑक्टेन से भी ज़्यादा, ये क्लासमेट का जो ऑक्टेन था उससे भी ज़्यादा डार्क ब्लू है ना। पेंटोनिक वाज़ द लाइटेस्ट, उसके बाद ये डार्क होते गए शेड, ठीक है। स्मूथनेस की बात करूँ तो इट इज़ वेरी स्मूथ गाइस। देखिए इसका जो आई थिंक जो इसका डाया है जो इसका नेब है, आई थिंक इट इज़ 0.7 mm, है ना, 0.7 mm। और जैसे जितना जैसे 0.5 से 6-7 हम जाते हैं पेन स्मूथ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो इंक फ्लो है वो बढ़ता चला जाता है, इंक ज़्यादा निकल रही होती है ना, तो ऑटोमेटिक पेन बिकम स्मूथर। बट उसके साथ साथ दिक्कत क्या होती है कि स्मज होने के चांसेस भी बढ़ते चले जाते हैं ना। तो देखिए इसलिए स्मज भी ज़्यादा हुआ। बट अगर आप थोड़ा इज्जत से पेन को यूज़ करते, ऐसे हाथ माथे से ऐसे फेरते नहीं है क्लास में, आपके दोस्त आगे ऐसे ऐसे नहीं कर देते, तो आई थिंक इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, है ना, काफ़ी स्मूथ पेन है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट पेन की ओर। तो देखिए अगला पेन, ओ माई गॉड, दिस वॉज पर्सनली माई ड्रीम पेन वेन आई वॉज इन स्कूल। मतलब अभी जैसा मैं बोल सकता हूँ, जैसे जो ट्रेंडिंग पेन है आई थिंक, जैसा ऑक्टेन की जो अभी इमेज है, मैं एक टीचर हूँ बेसिकली, मैं IDJ के बच्चों को, क्लास 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। तो आई फाइंड कि यार ऑक्टेन इज़ वेरी पॉपुलर, पेंटोनिक इज़ वेरी पॉपुलर अमंग देम। तो जब मैं पढ़ता था 10th में, तो दिस पेन, दिस रेनॉल्ड्स रेसर जेल, दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेन्स, ठीक है। मैं बायस नहीं हूँ, जो पेन अच्छा होगा वही आपको बताऊँगा, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इसकी क्या बोलते हैं इज्जत बहुत थी उस टाइम पे, ठीक है। आई डोंट नो अभी कैसी चल रही है मार्केट सिनेरियो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस, तो इस पेन को अनबॉक्स कर लेते हैं, पेन क्या क्या बोलता है देख लेते हैं। नीडल पॉइंट टिप फॉर स्मूथ राइटिंग, ओके, स्पेशल वाटर प्रूफ इंक, ओके, तो ये भी बोलता है वाटर प्रूफ है इंक, अभी अपन देख लेंगे। फेड रेजिस्टेंट, ओके, फेड रेजिस्टेंट मतलब गाइस अगर ऐसे धूप में लाइट में आप इसको एक्सपोज करके रखते हैं बहुत लंबे टाइम तक तो फेड नहीं होगा पेन। यूथफुल बॉडी डिज़ाइन, कंफर्टेबल सॉफ्ट ग्रिप, ओके, ठीक है गाइस। पैकिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे, क्या पैकिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, बट अच्छी पैकिंग है। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस, तो देख लेते हैं ये इसको हटाओ यहाँ पे। ओके, तो बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो अगेन बड़ा ही सिंपल सा डिज़ाइन है, और सिंपल येट अट्रैक्टिव, ऐसा कोई आउट ऑफ द बॉक्स एलिमेंट नहीं डाला है रेनॉल्ड्स ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा डिज़ाइन रेनॉल्ड्स ने बनाया है, यहाँ देखिए डिवाइस पे फोकस कर, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं रेनॉल्ड्स, ठीक है। तो और ये इसको ओपन करके खुल नहीं रहा है, हाँ खुल गया, ओके गाइस पीछे से नहीं खुल रहा, ये देखिए ये आगे से आप देख सकते हैं, ये कुछ इस टाइप का है पेन, इसकी नेक वगैरह आप देख सकते हैं, है ना। ओके, और यहाँ पे हमें एक ब्लू कलर की ग्रिप मिलती है। ओके गाइस, तो ये तो हो गई इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात। इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बहुत ही सिंपल और प्रोफेशनल डिज़ाइन है,
ठीक है, क्या आप इसको रिफिल डाल के बार बार यूज़ कर पाएंगे? हाँ आई गेस दो बार ही यूज़ कर सकते हैं इसको, मुझे नहीं लगता दो बार से ज़्यादा बार इसको आप यूज़ कर पाएंगे। वाटर प्रूफिंग डेफिनेटली पेन बोलता है, तो देखते हैं वाटर प्रूफिंग आती है कि नहीं। तो इससे गाइस मैं आपको लिख के बताता हूँ। जहाँ तक बात रही ग्रिप की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल से यहाँ पे ब्लू कलर में ग्रिप दी गई है और उसके ऊपर ऐसा zigzag कुछ बाइनरी नंबर की जैसा ग्राफ होता है ना, वैसा कुछ डिज़ाइन बना हुआ है। वो आप बाद में पढ़ोगे बाइनरी नंबर के ग्राफ, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से है, तो देखते हैं कैसा चलता है पेन। तो काफ़ी दिनों बाद रिसर्च जल चला रहे हैं हम। फोर्थ, ओके आई लव, ओके ऐसा आपको नहीं दिख रहा है कि नहीं, देखिए आई लव स्टूडेंट यार्ड, ये लिखा है हमने गाइस किससे, रेनॉल्ड्स रेसर जेल है ना। हैंडराइटिंग के लिए माफ़ कर देना मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी अच्छी लिख सकता हूँ। और स्मज टेस्ट भी कर देते हैं, स्मज, ओके गाइस। तो स्मज इसका रिलेटिवली इसके पहले वाले मॉन्टेक्स से तो कम है और लगभग ऑक्टेन से हल्का सा मुझे ज़्यादा लगा स्मज इसका, है ना। ओके गाइस, तो इसका ओवरऑल जो इंक कलर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो लगभग आप मान सकते हैं ऑक्टेन जितना ही है। ऑक्टेन से आई गेस मतलब 19-20 का अंतर है, ऑक्टेन 19 है इन टर्म्स ऑफ कलर, मतलब लाइटनेस में ऑक्टेन हल्का सा कम है और रेनॉल्ड्स 20 है। नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, मैं लाइटनेस के शेड के टर्म्स में बात कर रहा हूँ 19-20, है ना गाइस। ओके तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेन। तो वाकई में अच्छा पेन है, ठीक है, बस वाटर प्रूफिंग मुझे इसकी देखनी है, बाकी पेन की कैसी ये लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस हमारा नेक्स्ट पेन जो आ रहा है हमारे पास गाइस, वो हम लेते हैं अब एक फ्लेयर का पेन। तो फ्लेयर का हमारे पास आ रहा है गाइस टेक्नो जेल पेन। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लेयर का टेक्नो जेल पेन है, खोल लेता हूँ मैं इसको। ओके तो ओवरऑल गाइस इसकी आप क्वालिटी देख सकते हैं, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, ये इस टाइप का कुछ पेन फ्लेयर का टेक्नो, इसको खोल के भी दिखा देता हूँ मैं आपको। इस टाइप की गाइस कुछ इसमें ग्रिप आती है ना, तो इसकी जो ग्रिप है ये रबराइज नहीं, हाँ रबराइज है, हल्का सा प्लास्टिक फील ज़्यादा है इसकी ग्रिप में। बिल्ड क्वालिटी में बात करूँ तो पेन अच्छा पेन है, मतलब इतनी अच्छी मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी, अगर जैसे मैं इससे कंपेयर करूँ रेनॉल्ड्स से, तो आप अपने सामने ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं कि रेनॉल्ड्स की थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी, रेनॉल्ड देखने में भी अपीलिंग ज़्यादा है और बिल्ड क्वालिटी भी मुझे उसकी ज़्यादा बेटर लगी रेनॉल्ड्स की, है ना। इसकी भी बुरी नहीं है बट रेनॉल्ड्स जितनी अच्छी मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी नहीं लगी है गाइस। ओके तो इसे लिख के देखते हैं हम। ओके ग्रिप काफ़ी बढ़िया है इसकी, ग्रिप में कोई दिक्कत नहीं है। तो आई लव स्टूडेंट यार्ड, दिस इज फ्लेयर का टेक्नो जेल पेन। टेक्नो जेल, ओके स्मज टेस्ट भी कर देते हैं। ओके स्मज काफी कम था इसका भी, स्मज काफी कम था। ओके गाइस तो कैसा था ये पेन ओवरऑल, मैं कहूंगा कि ये जो पेन है इसका जो इंक का शेड है ये लगभग ये जो हमारा पेंटोनिक था, पेंटोनिक जैसा ही गाइस इसका इंक का शेड है, ठीक है। और पेंटोनिक बस आई थिंक कि पेंटोनिक का जो इंक फ्लो है वो थोड़ा सा पेंटोनिक का जो साइज़ है फॉन्ट का, जो विड्थ है अपनी एक स्ट्रोक की, वो ज़्यादा है, हल्की सी ज़्यादा है इसकी, हल्की सी थोड़ी सी, ये थोड़ा सा पॉइंटेड पेन है, थोड़ा सा इसका जो पॉइंट है वो थोड़ा सा शार्प फील करता है कॉपी में। तो कौन सा मुझे बेटर लगा गाइस, टेक्नो जेल पेन तो काफ़ी अच्छा लगा मुझको ये पेन, बट देखने में ये थोड़ा सा अपीलिंग कम है पेन। ओके इसके अंदर कुछ आपको इस टाइप पिंक सिस्टम देखने को मिलता है, फ्लेयर जेल, ओके। तो ओवरऑल बढ़िया डिज़ाइन है, बट ये थोड़ा से पुराने लुक में आता है। ओके यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्विस, ओके इसमें कुछ स्विस टेक्नोलॉजी भी आती है, आई डोंट नो वो क्या है बट होगी कुछ। ओके तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट पेन की ओर, अब हम लेते हैं गाइस कौन सा। ओके हमारे पास अगेन एक पॉपुलर कंटेंडर यहाँ पे आ गया है विच इज एड जेल, एड जेल ये एड जो एक और एड आता है गाइस, यहाँ पे मेरे पास एक एड और है, एक एड ये भी हमारे पास आता है,
ये तो, लेकिन ये वाला ऐड महंगा आता है। इट वॉज वन ऑफ द लेजेंड पेन जो कि मेरे टाइम पे बनाया वो स्कूल चला करता था, ठीक है। बट गाइज ये 50 रुपीज़ का है, तो उसका कंपैरिजन हम किसी दूसरे वीडियो में देखने वाले हैं, है ना। और गाइज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इन पेंस का रिव्यू भी बहुत जल्दी आने वाला है और अभी आ भी गया होगा, आप चैनल चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं गाइज। तो ये वाला जो ऐड है ये कौन सा है, दिस इज ऐड का एक्सेस जेल, आई डोंट नो मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, ऐड का एक्सेस, ओके सेस टेक्स्ट जैसा साउंड कर, एक्स सेस है कुछ, है ना। ओके गाइस तो ये नया पेन है, मैंने पहली बार इसके बारे में सुना है। आप लोगों ने हमको इंस्टाग्राम पे बोला था कि यार हमने आपसे पूछा था कौन सा पेन ले, तो काफ़ी लोगों ने इसको रिकमेंड किया, ठीक है, इसलिए मैंने इसको परचेज किया है। तो देखते हैं कैसा पेन है। पैकिंग अगेन काफ़ी अच्छी लगी मुझे, स्टैंडर्ड पैकिंग है, ठीक है। ओके गाइस तो बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं हम यहाँ पे। बिल्ड क्वालिटी इसकी जो है, आप पहले पेन देख लीजिएगा, कुछ इस टाइप का ये पेन दिखता है, ब्लू कलर में, काफ़ी अपीलिंग लुक है गाइस इसका। मैं मेरे चेहरे पे हाथ रख लेता हूँ, मेरे चेहरे पे फोकस करता रहता है कैमरा, ठीक है गाइस। ओके ये देखिए एक्सेस, उल्टा तो नहीं दिख रहा ऐसा। ओके ओके गाइस तो वहाँ पे जाता हूँ, उसको खोलते हैं। ओके गुड, इसमें किसी भी टाइप का यहाँ पे गाइस कोई भी ऐसा रबराइज ग्रिप नहीं है, बस प्लास्टिक है। प्लास्टिक पे इन्हें गाइस ऐसी लाइन बना दी, आप सुन के देखिए, ये माइक है तो आप समझ पा रहे होंगे, प्लास्टिक पे ऐसी लाइन बना दी गई है गाइस। तो ग्रिप मुझे ओवरऑल मुझे ग्रिप इसकी गाइस सही नहीं लगी है, क्योंकि जब पसीना आएगा ना हाथ में तो ये प्लास्टिक के ऊपर ऐसा हाथ इवन मेरे को नहीं भी आ रहा, अभी भी मेरा हाथ स्लिप हो रहा है ना, तो ग्रिपिंग इसकी इतनी अच्छी नहीं है। और साथ साथ में ये जब लाइंस, अगर आप लड़के वगैरह कोई इसको यूज़ करते हैं या इवन छोटे बच्चे यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल, जिनकी स्किन सॉफ्ट है बेसिकली, तो यहाँ पे ना इसको रखे रखे आपको बहुत टाइम तक, और इवन कोई मेरे जैसा है कि जो ऐसे पेन पकड़ता हो ताकत से लिखता, तो उसके तो गाइस यहाँ पे बहुत निशान आ जाएगा। देखिए आप, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, कुछ इस टाइप से यहाँ पे बेसिकली निशान बन जाता है, फोकस कर यहाँ पे इस टाइप से निशान आ जाता है। ओके गाइस ठीक है, मेरे को तो पता नहीं गाइस क्या हुआ यहाँ पे, एक अजीब ही टाइप सा कुछ हो गया। ये देखो आप लोग, बचपन से इतना पढ़ाया, घर वालों ने इतना लिखवाया है, ये देखो गाइस फिर भी मैं टीचर बना हूँ, बताओ, है ना। ये देखो गाइस तो इस टाइप का कुछ ऐसा बबल टाइप का डेवलप कर लिया बॉडी ने, आई डोंट नो कि क्या हो गया, ये बॉडी ने खुद को जेनेटिकली मॉडिफाई तो नहीं कर लिया। ओके तो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब देखो गाइस तो आई लव स्टूडेंट यार, वापस से हम लिखते हैं इसका, कलर टेस्ट करके देखते हैं। सिक्स्थ, ओके इसको थोड़ा सा चलाने की जरूरत है आई गेस कहीं पे। आई लव स्टूडेंट यार, ओके गाइस थोड़ा सा अटका ये पेन, आई गेस नया पेन इसलिए अटक रहा है। इसको मैं थोड़ा सा रफ सरफेस पे चला के देख लेता हूँ गाइस। ओके देखते हैं, वापस से ट्राई करते हैं। आई लव स्टूडेंट यार डैश, ये किसका पेन है गाइस, एक्सेस बाय एड जेल, ओके अच्छा ओके ये एक्सेस के पहले ई भी लगा, वो दिखाई नहीं मुझे, मेरे को लगा बस एक्स और सेस है, तो एक्सेस। जल स्मच टेस्ट भी कर देते इसका, तो स्मच तो गाइस इसमें बिल्कुल भी नहीं आया, और साथ ही साथ ये बहुत ही फाइन पेन है। आई गेस ये 0.5 है कि 0.4 है, आई हैव टू चेक इसकी रैपिंग में कैसा लिखा हुआ है। नॉन ड्राई अप टू 2 ईयर्स, ओके ओके ऐसा मुझे कुछ मिला नहीं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यार गाइस, ये एक्सेस जेल का कितना डाया होता है, बेसिकली 0.6 एमएम होता है कि कितना होता है गाइस, ठीक है। ओके फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं गाइस। मैं इसे थोड़ा और लिख के देखना चाहता हूँ, दूसरा पेपर ले लेता हूँ, नहीं तो आप कहोगे चीटिंग है, ठीक है। ओके यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ, आई लव एक्सेस जेल,
मतलब अच्छा पेन है गाइस, अगर आपको बहुत ही एक फाइन पेन चाहिए जो कि बहुत फाइन लिखता हो, बेसिकली पतला लिखता हो गाइस, तो फिर आप इस पेन को ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं तो इतना फाइन पेन नहीं लिखता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा हल्का सा फ्लो ज़्यादा पसंद है इनका, है ना। ओके तो आगे बढ़ते हैं गाइस, अपन इसको हटाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेन जो हमारे पास आ रहा है गाइस, वो अब हम कोई ₹5 वाला पेन लेने की कोशिश करते हैं गाइस। तो अगला पेन है हमारे पास, इसकी काफ़ी डिमांड थी, अगेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेन्स फ्रॉम आर टाइम्स और अभी भी पॉपुलर होगा, दैट इज फ्लेयर का हाइड्रोजेल। इस टाइप का देख सकते हैं, सिंपल पेन है, एकदम ज़्यादा कुछ ऐसा फैंसी नहीं है, ठीक है। ऊपर से ऐसा इंक है, आप देख सकते हो इंक कितनी ख़त्म हो रही है, ठीक है, कैसे क्या है, ठीक है। इसकी निब वगैरह है, तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइस, इसकी कुछ इस टाइप से इंक है, ठीक है, और ये इस टाइप से इसका पॉइंट। ओके ओके गाइस, तो ग्रिप की बात करें तो ग्रिप में ऐसा कुछ इसमें प्लास्टिक स्पेशल नहीं दिया गया है, ठीक है, और सॉरी कुछ ऐसा रबर नहीं दिया गया, सिंपल सा प्लास्टिक है, और अगेन वही इस टाइप की लाइंस बनी हुई है फॉर ग्रिप, ठीक है। लिख के देखते हैं गाइस। ओके ओके, आई लव स्टूडेंट यार्ड। मुझे क्या ऐसा थोड़ा टेढ़ा बैठ के लिखना पड़ता है जिससे व्यू थोड़ा प्रॉपर आ पाए। स्टूडेंट यार्ड, और ये पेन कौन सा है गाइस? हाइड्रोजेल, ओके, इट इज हाँ फ्लेयर का हाइड्रोजेल, और स्मश टेस्ट कर देते हैं इसका गाइस। ओके, स्मश तो इसका आया ही नहीं, मतलब काफ़ी कम स्मज हुआ पेन, ठीक है। तो इसका जो पेन है, ओवरऑल इंक का जो टेक्सचर है आप देख सकते हैं, ये वन ऑफ द डार्केस्ट मैं बोल सकता हूँ है। बेसिकली अगर आप जो मोंटेक्स का हमारा था यहाँ पे, मोंटेक्स का ये जो मोटू सा पेन था बेसिकली, है ना, ये क्या नाम है इसका, विनर जेल, है ना, इससे बेसिकली इसके बाद सेकंड नंबर पर अगर कोई डार्केस्ट इंक है तो वो यही है, इसकी क्या ही है, दैट इज़ फ्लेयर का हाइड्रा। और आई रिमेम्बर कि जब हम लोग स्कूल में थे तो यार ये काफ़ी फेमस पेन हुआ करता था, इससे राइटिंग मतलब काफ़ी अच्छी आया करती थी मेरी, तो मुझे काफ़ी पसंद था ये पेन पर्सनली उस टाइम पे, है ना। तो अभी भी मैं देख सकता हूँ कि तो मुझे ₹5 में काफ़ी अच्छा पेन लगा। अब वाटर प्रूफिंग इसमें कैसी है दैट आई कैन नॉट से, वो अभी हमें पता लगेगा गाइस, है ना। ओके तो उसको भी हटा देते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेन की ओर गाइस। यहाँ पे मेरे पास एक पेन आ रहा है, ये मुझे मैंने पहली बार ही सुना, ये व्हाट इज़ दिस, यूनोमैक्स, तो यूनोमैक्स का जेल्ट्रॉन जेल, आई डोंट नो ये क्या है, ये मुझे पेंटोनिक जैसा बहुत बहुत लगा है, पेंटोनिक से इंस्पायर्ड। ऊपर से आप डिज़ाइन देखिए, आप दोनों को दिखाता हूँ मैं आपको साथ में, यहाँ पे आप देखो गाइस, इनका दोनों का टॉप है, ठीक है, इस टाइप का, ये देखिए दोनों की बॉडी ऑलमोस्ट लगभग सेम पेन गिर गया, हाँ वापस उठा के ले आया मैं, देखो इनका जो गाइस कैप है आप देख सकते हो भाई, इस पर फोकस करा, हाँ ये देखो गाइस कैप, कैप में जरूर डिफरेंस है बट ऑलमोस्ट बाकी बहुत बहुत सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं, आई मीन कॉपी तो नहीं बोलूँगा दोनों एक दूसरे की, बट सिमिलैरिटीज़ दोनों में बहुत है ना। ओके गाइस, वेट भी लगभग बराबर ही है ना, बट पेंटोनिक मुझे बहुत ज़्यादा स्लिम लगता है, ऐसे स्कूल में घुमाते थे ना पेन। ओके तो बात करते हैं यूनोमैक्स की, अगेन अंदर जो इसमें है ये पूरा ना एक जैसा ही पेन है, पूरा एक जैसा यूनिबॉडी डिज़ाइन है। पेंटोनिक में कैसा था यार, हाँ ओके सेम एज पेंटोनिक, बट पेंटोनिक में क्या था कि ये चीज़ भी आई डोंट नो खुलती है कि नहीं, बट ये पूरा ब्लैक आता था पेंटोनिक में, बट यहाँ पे गाइस हम एक अलग से ब्लू सेक्शन दिया गया जिसको आप ओपन करके आई थिंक इसको रिफिल भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, इसको आप ऐसा ओपन करके ये रिफिल है इसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। चलो इसे लिख के और देखते हैं गाइस कैसा लिखता है हमको। ओके, आई लव स्टूडेंट यार्ड, ये कौन सा पेन है, यूनोमैक्स, ओह बंद हुआ यूनोमैक्स, हाँ नहीं चल रहा है, जेल्ट्रॉन, फिर बंद हुआ जेल, ठीक है स्मज टेस्ट कर देते इसका, स्मज है थोड़ा सा, स्मज तो है, ठीक है थोड़ा सा स्मज तो यहाँ पे हुआ है गाइस। ओके तो इसकी ओवरऑल जो मुझे क्वालिटी लगी वो काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी ब्राइट है। अगर मैं हाइड्रा से कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है कि ये जो हाइड्रा था हमारे पास, किधर गया हाइड्रा जेल बेसिकली, ठीक है नॉट डैट हाइड्रा जो आप साइंस में पढ़ते हैं, तो अच्छा है, मतलब हाइड्रा मुझे फिर भी रिलेटिवली अगर मुझे प्रेफरेंस दिया जाए तो
फ्लेयर का ये जो हाइड्रा है ये थोड़ा ज़्यादा ट्रस्टवर्थी लगता है मुझे एज़ कम्पेयर टू दिस यूनोमैक्स, बाकी यूनोमैक्स इज़ ऑल्सो नॉट बैड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट पेन की ओर। नेक्स्ट पेन हमारे पास गाइस आ रहा है अगेन मोंटेक्स का ही एक पेन है, दैट इज़ 10 रुपये का पेन है गाइस, मोंटेक्स का विक्ट्री जेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं विक्ट्री जेल फ्रॉम मोंटेक्स, इसको खोल लेते हैं गाइस हम। ओके, तो बिल्ड क्वालिटी ओके अगेन मोंटेक्स यार काफ़ी हैवी पेन्स बनाता है यार, हैवी पेन्स इन द सेंस मतलब बिग बल्की लाइक डोरेमोन में जियांट होता था ना, हाँ ये तो डोरेमोन का जियांट जैसे ही लग रहा है, देखो ऑरेंज ऑरेंज पहना हुआ है। ठीक है गाइस, ठीक है तो इस टाइप का ये पेन है, तो आप ये देख सकते हैं। ओके अच्छा पेन है, उल्टा दिख रहा है कि नहीं सीधा ही है, ठीक है तो कुछ पेन दिख रहा है गाइस, इसको खोल देता हूँ। ओके काफ़ी अच्छा क्लिकिंग साउंड खोलते टाइम, और अंदर ये संतरे जैसी ऑरेंज ऑरेंज ग्रिप। ठीक है तो स्टडी पेन हाथ में है, बढ़िया स्टडी है। ठीक है पेन अच्छा लगा मुझे बिल्कुल, लाइट बहुत है मतलब इसके साइज, इसका साइज देखोगे ना आप देख के लगता है यार भारी पेन है। ठीक है बट पेन लाइट है, मतलब लाइट मतलब इतना लाइट नहीं, बट पेंटोनिक से जैसे अगर मैं कंपेयर करूँ तो लगभग पेंटोनिक के बराबर ही वेट फील होता है हाथ में, है ना। देखो वेट होना और फील होना अलग होता है, वेट हो सकता है कई चीज़ों में वेट होता है पर वो इतना वेल बैलेंस्ड होता है कि आपको फील नहीं होता है। ठीक है तो आई गेस इसके साथ वही है। ठीक है तो खोलते हैं इसको, लिखते हैं। अगर आप ये ऐसे मोटे मोटे पेनों के फैन हैं तो देखते हैं कैसा चलता है ये 9th। ओह माय गॉड ये तो बॉल पेन है भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है देखो ये बॉल पेन है ना। तो आई लव ओके गाइस, हमारे साथ धोखा हो गया है यहाँ पे, किसने रखा इसको यहाँ पे, ग्लाइडर बॉल पेन। ओके आई एम वेरी सॉरी ये बॉल पेन था, हटाओ उसको, इस कंपटीशन में नहीं है भाई तू, दूसरे जियान जा तू दूसरे कंपटीशन में आना, अगले वीडियो में आपको गाइस देखने को मिलेगा अभी आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। ओके आगे बढ़ते हैं हमारे पास, अगला जो पेन आ रहा है हमारे पास गाइस दैट इज गोल्डेक्स का कीवी जेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डेक्स का कीवी जेल। ठीक है ओके तो गोल्डेक्स का कीवी जेल अगेन सिंपल डिज़ाइन, यहाँ पे कुछ फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं। ठीक है बढ़िया लगी मेरे को ऐसी फूल पत्ती, ज़्यादा मुझे ऐसा डिज़ाइन पसंद नहीं है पर हाँ कोई बच्चा है छोटे बच्चे को पसंद तो उसको आई थिंक पसंद आ सकते हैं। ठीक है तो देखते हैं गाइस क्या है ये गोल्डेक्स आई, ये 9th वाली एंट्री को गाइस हमें खारिज करना पड़ेगा। ओके तो छोड़ देते हैं, सीधे बढ़ते हैं किस पे, नंबर 10th पे। ठीक है 9th वाली एंट्री को हम लोग लिख सकते हैं हमारे साथ धोखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसको बॉल पेन से ही लिखता हूँ वापस आ भाई धोखा, डिस्क्वालीफाइड। ठीक है ओके अगले उसमें आना भाई तू चल कर। ओके तो गाइस आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ हमारा गोल्ड एक्सा कीवी जेल, इसको थोड़ा सा आई थिंक मुझे कहीं चला लेना चाहिए। 5 रुपये का पेन है, ठीक है बहुत ही लाइट है, बहुत ही लाइट। आई लव स्टूडेंट यार्ड। ओके दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ गोल्ड एक्स का कीवी जेल, गोल्ड एक्स कीवी जेल। फ्रेंड को बहुत पसंद है मेरे गोल्डेक्स के पेन, उसने मैंने देखा कि उसने अपने 4 साल कॉलेज के गोल्डेक्स यूज़ किए थे, आई डोंट नो वाई, और पर ठीक है। बट यहाँ पे मैं देखता हूँ गाइस स्मज इसमें काफ़ी कम है, ज़्यादा स्मज नहीं है। तो गाइस ये जो गोल्डेक्स का है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका वन ऑफ द लाइटेस्ट क्या बोल सकता हूँ फुटप्रिंट है ना, बहुत ही लाइट इंक है बेसिकली गाइस, है ना। तो मतलब लाइट इन द सेंस मतलब लाइट ब्लू का फील देती है, ये भी अच्छा स्टैंड आउट करती है कॉपी, अगर आप ऐसी कॉपी में एकदम ऐसी कॉपी देखते हो तो स्टैंड आउट फील होती है। स्मूथनेस की बात करूँ तो अच्छा है, स्मूथ है पेन, कोई दिक्कत नहीं है, और 5 रुपये में इट इज़ अ गुड पेन, ज़्यादा के लिए हम वी कैन नॉट आस्क फॉर मोर, है ना, बट इट इज़ अ गुड पेन फॉर रुपीज़ 5। ठीक है ये लो भाई फोकस कर दो, हाँ आगे बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट पेन की ओर, हमारी लिस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही है। अगेन यहाँ पे हमारे पास एक पेन आ रहा है गाइस, दिस इज़ फ्लेयर का कार्बोनिक्स जेल। ओके कार्बन आई थिंक कार्बन ब्लैक इसका डिज़ाइन है, एकदम कलर से डिजाइन है, नीचे एक एक्सेंट कलर का जो ब्लू से दिया गया बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे जो पेन लगते हैं ब्लैक विथ ब्लू एक्सेंट के काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है सुपर स्मूथ जापानीज इंक। ओके
देखते हैं भाई कितनी स्मूथ है। ओके यहाँ पे कुछ बिल्कुल अलग है गाइस, जैसे ही मैंने इसको खोला आप यहाँ पे देखो, आई थिंक रिफ्लेक्ट भी होगा आपको। देखो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये बिल्कुल एकदम शाइनी, और मतलब ये वाला जो फिनिश है ये मैट फिनिश है, एकदम ग्लॉसी फिनिश में दे दिया गया सडनली, तो इट वॉज अ सरप्राइज एलिमेंट। ठीक है, लिख के देखते हैं इससे कैसा है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड फील करता है हाथ में, ऐसा कोई क्लिकिंग नॉइज नहीं है। देखते हैं 11th आई लव, ओके थोड़ा सा रुका, आई लव स्टूडेंट, ओके अब स्मूथ चल रहा है स्टूडेंट यार्ड। और ये है गाइस कौन सा पेन, फ्लेयर का कार्बोनिक, फ्लेयर का कार्बोनिक्स, चल स्मज टेस्ट कर देते हैं। ओके स्मज इसमें ज़्यादा था, रिलेटिवली ज़्यादा था, बट गाइज ये वाला पेन शार्प भी है और डार्क भी है, काफ़ी अच्छा लिखा इसने, मतलब बढ़िया पेन है, चलने में अच्छा है। खुलता है कि नहीं आई डोंट नो, खोल के देख लेते हैं इसको गाइज। कुछ इस टाइप से इसकी इंक बेसिकली निकलती है, इंक नहीं निकलती, आई मीन रिफिल निकलती है, इसको वापस कस देते हैं। A few moments later. Okay, कस दिया है गाइस वापस मैंने इसको। तो कार्बोनिक्स जेल बेसिकली ये पेन कितने का था, कार्बोनिक्स जेल आई डोंट नो गाइस, आई थिंक ये 5 रुपए का था, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कंफर्म करो यार ये कितने का आता है ये वाला पेन। ठीक है 5 का है कि 10 का है, बट मुझे यहाँ तक याद है शायद ये 5 का पेन था। अगर ये 5 का है तो 4.05 rupees, इट इज़ अ गुड पेन, इट फील सॉलिड और मस्त क्लिकी नॉइज है एकदम, है ना, और बिल्कुल एकदम काला काला सा मजबूत पेन है, वेल बैलेंस्ड है, नहीं इसकी बैलेंसिंग इतनी अच्छी नहीं है, पेन फाइट अगर आप खेलते तो मज़ा नहीं आएगा ज़्यादा। ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं गाइज, अपन दैट इज़ रेनॉल्ड्स का एक पेन आ रहा है गाइज हमारे पास। ओके यहाँ पे हमारे पास आ गया एक रेनॉल्ड्स का, दिस इज नोन एज रेनॉल्ड्स जिफी, क्या है भाई जिफी जेल, जे 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 फॉर जोकर वाला जिफी है यहाँ पे, जिफी जेल आप देख सकते हैं इस टाइप का कुछ पेन दिखता है ना, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी निब है, ओके तो लिख के देखते हैं गाइस। ग्रिप अगेन प्लास्टिक के ऊपर, क्या बोले कार्विंग का टाइप की गई है फॉर ग्रिप। ठीक है आगे बढ़ते हैं गाइस, पेन को हटाते हैं, यहाँ देखिए 12, ओके आई लव स्टूडेंट यार्ड, बीच में छोड़ा था इसने थोड़ा सा, और ये कौन सा पेन है गाइस, रेनॉल्ड्स का जिफी, रेनॉल्ड्स का जिफी JIFFY जिफी जेल, ओके स्मज टेस्ट कर देते हैं इसका, स्मज है थोड़ा सा स्मज है पर ज़्यादा स्मज नहीं है गाइस, थोड़ा सा स्मज है। ठीक है ओके तो आगे बढ़ते हैं गाइस, ये जिफी जेल हमने देख लिया है, तो कैसा लगा मुझे ये पेन, 5 रुपये में गाइस पेन अच्छा है, बुरा नहीं है, इसको अगर मैं कंपेयर करूँगी सिर्फ फ्लेयर के हाइड्रा से तो हाइड्रा की इंक भी लगभग सेम है, ये वाली इंक थोड़ी डार्क ज़्यादा है, थोड़ा ब्लैक साइड पे इसकी इंक है, मतलब एक्स्ट्रा डार्क इंक है जिफी जेल की, बट बढ़िया है। ओके आगे बढ़ते हैं गाइस हम, अब हमारे पास गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे 12 पेन हो चुके हैं, जिसमें से एक धोखेबाज निकला था बॉल था, तो ऑलमोस्ट 11 पेन हमारे पास गाइस यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है अब हम यहाँ पे देखने वाले गाइस, यहाँ पे मेरे पास 2 एक्स्ट्रा पेन हैं, अब ये दोनों ना तो जेल पेन है ना बॉल पेन है गाइस, ये 2 पेन हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास है लग्जर का ग्राफिक, ठीक है पायलट पेन नहीं है गाइस, ये लग्जर का ग्राफिक पेन है, फाइबर टिप के पेन से गाइस, और यहाँ पे हमारे पास एक रोरिटो का पेन है, इसका नाम क्या है गाइस, रोरिटो का फाइबर, हाँ गाइस रोरिटो का गाइस फाइबर पॉइंट करके हमारे पास यहाँ पे एक पेन है। इन दोनों की गाइस आप निब देखिए, मैं दोनों को ओपन कर लेता हूँ, दोनों ही 10 रुपये के पेन है। ओके गाइस ओहो ये बहुत ही आइकॉनिक डिज़ाइन है, बहुत ही पुराना डिज़ाइन है, पुराना इन द सेंस मतलब ओल्ड फैशन नहीं बोल रहा हूँ, बहुत पहले से चल के आ रहा है, अच्छा डिज़ाइन है गाइस, है ना। ये देखिए आप दोनों पेन्स को मैं यहाँ पे आपको साथ में दिखाता हूँ, कुछ इस टाइप से दिखते हैं, ठीक है देखिए इस टाइप से कोई यहाँ पे मेरे फेस पे नहीं आई गाइस, इस टाइप से कुछ डिज़ाइन है गाइस, हाइट कंपेरिजन मैं आपको दिखा देता हूँ, तो लगभग बराबर इससे ये बेसिकली लग्जर का थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है ओके गाइस तो यहाँ पे आप इनके निब देख सकते हैं दोनों के, तो देखिए इनके जो पॉइंट है गाइस ये फाइबर पॉइंट है, आई डोंट नो देख पा रहे कि नहीं आप, आई गेस देख पा रहे होंगे गाइस, ये देखिए तो इस टाइप के गाइस इनके पॉइंट्स आते हैं, ये आप देख सकते हैं।
ठीक है। तो गाइज ये जो दोनों पेन हैं ये मैं इंक्लूड नहीं करने वाला था कंपैरिजन में, बट मैंने की, मुझे लगा मुझे करना चाहिए। फाइबर पॉइंट पेन्स हैं गाइज, है ना। तो मैं लिख के बता देता हूँ क्योंकि लगभग जेल कैटेगरी में भी आप इनको डाल सकते हैं। तो कैसे हैं इनकी क्वालिटी, कैसी है, कंपेयर कर देते हैं। तो हम पहले ले लेते हैं गाइज लग्जर का ग्राफिक। इसका जो डिज़ाइन की बात करें गाइज अगर हम इसकी, तो यार ये एक बहुत ही आइकॉनिक डिज़ाइन, बहुत ही मतलब वन ऑफ द सेक्सीएस्ट पेन मैं उसको बोल सकता हूँ। बहुत ही प्यारा घूमता है हाथ में, मतलब वेरी वेल बैलेंस्ड, नॉट बेल, वेरी वेल बैलेंस्ड गाइज। तो बहुत ही प्यारा पेन है और देखने में भी काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। तो अगर आप बेसिकली स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आप कोई बड़े भी हैं, एडल्ट हैं, और आपको प्रोफेशनल काम के लिए चाहिए, कोई साइट पे यूज़ करने के लिए, तो इट लुक्स वेरी प्रोफेशनल। सिंपलिस्टिक डिज़ाइन है और बहुत अच्छा दिखता है गाइस, है ना। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइप से। तो मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा ये वाला पेन, ठीक है। खोलते हैं, लिख के देखते हैं गाइस। नंबर 13, ओह माय गॉड, फाइबर पॉइंट ऐसा ना एक अलग ही फील देता है, मैं आपको कैसे बताऊँ। जैसे एक मेटल को आप एक ऐसे जनरल आपके पास जो भी पेन मेटल निप के होते हैं वो चलाते हैं, अलग फील आता है। वहीं पे आप कुछ ऐसे कपड़ा लीजिए, कपड़े को आप एक पेपर पर रब करके देखिए आपको कैसा फील आता है, एक अलग ही टाइप का हल्का सा रफ फील आता है। तो वही फील गाइस आपको इसमें देखने को मिलता है। अभी ये पर्सनल चॉइस है, किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं लगेगा, है ना। तो अगर आपको फ्रिक्शन ज़्यादा पसंद है करते टाइम, तो ये वाला पेन ज़्यादा बेटर फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, तो लिखता हूँ गाइस। आई, ओ माई गॉड, वेरी वेरी स्मूथ, वेरी स्मूथ स्टूडेंट, वेरी स्मूथ गाइस, वेरी 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 बहुत 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 स्मूथ है रियली, मतलब बहुत ही अलग फील है। अब डेफिनेटली ये अलग ही टिप ही अलग हो गया, मेटल टिप था, ये फाइबर पॉइंट है, तो इनका कंपैरिजन बनता नहीं है, बट 10 रुपये में था इसलिए मैंने कर दिया गाइस, है ना। ओके, तो आई लव स्टूडेंट यार्ड, क्या नाम है गाइस पेन का, लग्जर का ग्राफिक प्लस। ओके, लग्जर ग्राफिक प्लस, स्मज टेस्ट भी करते हैं इसका गाइस। स्मज, स्मज बिल्कुल ही कम है गाइस, बहुत ही कम स्मज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मज काफ़ी कम है। और गाइस इसका इंक कलर की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आप देखिए इसका इंक कलर कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, फोकस गाइस, ये देखिए ये है, है ना, और यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ तो डेफिनेटली दिखेगा। ये बेसिकली बहुत ही अलग इंक है ना, मतलब ये जेल पेन की जो आपको इंक दिखेगी ना, वो आप सारे शेड देखिए यहाँ पे अलग ही आपको दिख रहे हैं जेल के, और ये अलग ही आपको समझ में आ जाएगा कि इंक है। तो ओवरऑल देखने में फाउंटेन पेन जैसा बेसिकली, तो ये फाउंटेन पेन और जो बॉल पॉइंट पेन होते हैं बेसिकली, नॉट बॉल पॉइंट पेन, जो जेल पेन है और फाउंटेन पेन है उनके बीच का कुछ चीज़ है ये गाइस, है ना। तो एग्जैक्टली फाउंटेन पेन जैसी भी नहीं है इंक, बट वैसी ही है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद है कुछ ऐसे पेन जो फ्रिक्शन में, या फिर अगर आप स्केचिंग में हैं, अगर आप पेन से स्केचिंग करते हैं, तो गाइस उन लोगों को ये पेन बहुत पसंद आने वाला है। दूसरी एक और मैं इसकी अच्छी बात बता दूं गाइस, कि ये जो डिस्टेंस है ना, आप जो उसको यहाँ से होल्ड करते हो, तो ये जो डिस्टेंस इसकी दी गई है फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से देखिए गाइस, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये जो डिस्टेंस दी गई है इसकी गाइस, ये काफ़ी अच्छी है। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो अगर आप यहाँ से पकड़ते हैं, तो ये सेंटर बन जाता है, और उसके अबाउट आप फोर्स लगाते हैं, तो जो टॉर्क लग रहा होता है इसके ऊपर वो काफ़ी सही है, ज़्यादा भी नहीं कि बेंड हो जाए, कम भी नहीं है कि मज़ा ना आए, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा फिजिक्स में चला गया, अब क्या करूँ गाइस। अगर आपको ऐसे वीडियो, एजुकेशनल वीडियो देखने में इंटरेस्ट है, तो हमारे एक चैनल है एडुकेज्म नाम से, जहाँ पर मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये सब मैं इस चैनल पर करता हूँ, पढ़ाई मैं उस चैनल पर करवाता हूँ। तो अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो अच्छे वीडियो से, तो आप वो भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके गाइस, वापस आते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा पेन है, पकड़ में काफ़ी अच्छे से आता है। हाँ, ये इंक ऐसा छोड़ता है कि नहीं आई डोंट नो, बट मुझे ऐसी खबर मिली है कि इसमें से इंक लीक हो जाती है, मतलब ऐसे लीक नहीं होती, अगर आप झटकोगे तो इंक लीक हो जाती है। आगे बढ़ाते हैं गाइस, लग्जर का हो गया, हमारा नेक्स्ट पेन आ रहा है गाइस। अगेन ये बहुत ज़्यादा हमारा नेक्स्ट पेन है गाइस, रोरिटो का। रोरिटो का गाइस ये कौन सा पेन है, फाइबर पॉइंट, है ना, कहाँ लिखा है फाइबर पॉइंट गाइस, ये देखिए रोरिटो का गाइस फाइबर पॉइंट हमारे पास यहाँ पे पेन आ गया है। इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये जो हमारे पास पायलट आता था ना, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास पायलट भी है। ओके, ये गाइस देखिए, ये पायलट है हमारे पास, पायलट कौन सा मॉडल होता है ये, इसमें ऐसा V5 V7 ऐसा नहीं है, V5 V7 का भी वीडियो मैं आपके पास आपको लाने वाला हूँ गाइस, यहाँ पे हमारे पास रखे हुए हैं। तो ये सारे पेन्स भी हैं गाइस, ये अगले चैनल पे, अगले एक दो वीडियोस के बाद हम, मैं इनके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, ट्राइमैक्स हो गया, ये जो जितने भी हमारे पास ये कार्ट्रिज वाले पेन्स हैं, इन सब पे एक वीडियो आएगा। ओके, तो गाइस ये वाला जो डिज़ाइन है, इससे आई डोंट नो इंस्पायर्ड है कि नहीं, ठीक है। तो रोरिटो का ये वाला पेन काफ़ी ज़्यादा ये पायलट वाले पेन के जैसा दिखता है ना, ये जो लेजेंडरी पायलट है, ये V5 V7 आई गेस अभी मिलना चालू हुए 5 सालों में, ये बहुत पहले से आ रहा है, मतलब है ना, बहुत पहले ये बहुत फेमस पेन था,
तो गाइस सेम टू सेम डिज़ाइन मैं बोल सकता हूँ उसका, ठीक है, सेम टू सेम तो नहीं, थोड़ा सा लगे बट ऑलमोस्ट सेम है, कलर ब्लू है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं 14th। ओके ये जो हमारा ये था कौन सा पेन था, लग्जर का जो पेन था गाइस, उससे डार्क इंक है इसकी। आई लव स्टूडेंट यार्ड। ओके इससे ज़्यादा बेटर इंक है मैं कहूँगा। ये है हमारे पास किसका पेन था गाइस, रोरिटो। ओके रोरिटो, ये गाइस रोरिटो के बारे में मुझे आप लोग थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताओ ना यार, ये रोरिटो का भाई मतलब, मैं जब लिखता था तब हमारे पास ना यही ब्रांड चलते थे, कौन से थे, रेनॉल्ड्स गाइस हुआ करता था, डेफिनेटली रेनॉल्ड्स एक ब्रांड था, ठीक है, और फिर ये रोरिटो सडनली आ गई, तो कौन है इसका पेरेंट ओनर, क्या है इसकी हिस्ट्री, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे गाइस इसके बारे में आके बताएं, है ना। ओके तो गाइस आई लव स्टूडेंट यार्ड, रोरिटो का कौन सा पेन है ये, फाइबर पॉइंट, फाइबर है। स्मच टेस्ट कर डालते हैं इसका गाइस, स्मच। ओके स्मच इसमें भी लगभग ना के बराबर है, ऑलमोस्ट सबसे कम स्मच अगर मुझे अभी तक किसी में मिला है तो वो यही पेन है गाइस, इसमें बहुत ही कम, एक बार फिर से करके देखता हूँ, सच में बहुत ही कम है, मैंने लिख के डार्क डबल करके कर दिया तभी स्मच नहीं आया गाइस। तो अगर आप स्केचिंग में हैं बेसिकली, इफ़ यू आर इनटू स्केचिंग, तो यार ये वाले पेन, दोनों पेन बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं बेसिकली, पकड़ में ग्रिप में ये डेफिनेटली इज़ मच बेटर, बहुत ही यूनिक ग्रिप है गाइस हमारा इसका लग्जर का, ठीक है, और फाइबर पॉइंट का गाइस अच्छा डिज़ाइन है, और अगर आपकी बेसिकली चॉइस है, कई लोगों को हो सकता है ये वाला पसंद आए, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड डिज़ाइन है हमारा, ये भी बहुत बढ़िया है, स्टैंडर्ड डिज़ाइन पसंद है तो आपको ये पसंद आएगा, बट इंक डेफिनेटली मैं कहूँगा यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं गाइस की इंक इसकी ज़्यादा डार्क है और मुझे इसकी इंक ज़्यादा पसंद आई। अब वाटरप्रूफ टेस्ट में ये कैसा परफॉर्म करता है आई डोंट नो, अभी हम देख लेंगे, ठीक है। तो गाइस ये हम देखने वाले हैं वाटरप्रूफ टेस्ट में, बाकी इंक इसकी ज़्यादा डार्क लगी मुझे गाइस, है ना। ओके लग्जर ग्राफिक थोड़ा सा फीका सा लगता है, फीका सा, इसकी इंक केस थोड़ी सी शाइन है इसमें और थोड़ा आंखों को हिट करती है, ये मुझे ज़्यादा लगा। तो अगर आपको फेड इंक ही पसंद है तो आप ये ले लो, और अगर थोड़ी बेटर है, ये मुझे कौन सी पसंद है इंक, डेफिनेटली इंक इसकी ज़्यादा बेटर है हमारे, क्या बोल सकते हैं, रोरिटो की, और फाइबर पॉइंट में बॉडी इसकी ज़्यादा बेटर लगी गाइस। ओके गाइस तो ये था हमारा कंपैरिजन, हमने ये एक महा कंपैरिजन कर डाला बिटवीन ऑल दीज पेंस, एक बहुत ही डिटेल कंपैरिजन हमने यहाँ पे देखा, अबे कहाँ जा रहा है गाइस। तो अब सवाल उठता है कि गाइस मेरा फेवरेट पेन इन सब में कौन सा है, ठीक है, मुझे इन सब में कौन सा पेन पसंद आया। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं आपको पसंद बताऊँ, हम अल्टीमेट टेस्ट हमारा दैट इज वाटरप्रूफ टेस्ट करने वाले हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बेस पे मैं आपको मेरा विनर अनाउंस करूँगा, ठीक है। वाटरप्रूफ टेस्ट के पहले के विनर्स अगर आप जानना चाहते हो तो मैं कर देता हूँ, देखो। तो गाइस इसको हटाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास सारे पेन्स हैं, यहाँ पे लाइन से जम जाओ भाई, सही आ रहा है कि नहीं भाई इसमें, हाँ ओके। तो गाइस ऑलमोस्ट सही है हमारे पास गाइस, जो मेरा पर्सनल फेवरेट पेन दस रुपये के अंदर अभी मैं अगर कैटेगरी ओके मुझे जो गाइस बेस्ट पेन लगता है 10 रुपये के अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इंक में देखूँ तो आप खुद भी देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे जो इंक है वो सबकी बढ़िया है। स्मज में सबसे ज़्यादा स्मज अगर मैं बात करूँ तो मॉन्टेक्स विनर में हुआ, जो कि ये वाला पेन है, किधर है ये रहा, मॉन्टेक्स विनर में गाइस सबसे ज़्यादा स्मज देखने को हमको मिला, बट सबसे डार्क भी वही था, स्मूथ भी था पेन। और मेरा फेवरेट कौन सा यार, आई एम कन्फ्यूज्ड, A few moments later, 2,000 years later. Okay guys, तो बहुत सोचने के बाद मैं विनर्स पे आ चुका हूँ। नंबर वन जो मेरा फेवरेट पेन है बेसिकली वो मैं टाई घोषित करूँगा बिटवीन द रेनॉल्ड्स रेसर जेल, गाइस यहाँ पे मेरे पास रेनॉल्ड्स का रेसर जेल है, और दूसरा जो मेरे पास पेन है गाइस वो है ऑक्टेन फ्रॉम क्लासमेट, यहाँ पे ये हमारा ऑक्टेन है क्लासमेट के द्वारा, ठीक है। तो गाइस ये जो दो पेन हैं ये काफ़ी अच्छे पेन हैं दोनों ही, है ना, और इनके बीच में एक टाई है, दोनों पेन बहुत बढ़िया हैं। अभी मैंने वाटरप्रूफ टेस्ट नहीं किया, ये उसके पहले का रिजल्ट मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। साथ ही साथ इसके जस्ट बाद मैं जिस पेन को देखना चाहूँगा दैट इज़ पेंटोनिक, कांगया पेंटोनिक,
पेंटोनिक डेफिनेटली गाइस काफ़ी अच्छा पेन है। कई लोग बोलेंगे कि नहीं सर नंबर वन पे आना चाहिए, मैं मानता हूँ गाइस नंबर वन पे आना चाहिए, बट ये दो पेन जो क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी जो ऑफर कर रहे हैं, साथ ही साथ जो प्रीमियमनेस इनको देख के आती है, एक प्रीमियम फील है। आई गेस पेंटोनिक या 8 या 9 रुपये का होता तो डेफिनेटली एक बहुत ही बेटर चॉइस बन जाता। पेंटोनिक 10 का है ना? यस गाइस मैंने चेक किया, पेंटोनिक 10 का ही आता है ना? तो डेफिनेटली गाइस 10 रुपये में इवन बहुत अच्छा पेन है, बट ये दोनों जो पेन क्वालिटी ऑफर करते हैं बिल्ड क्वालिटी और बाकी चीज़ में, मुझे ये दोनों ज़्यादा बेटर लगे। थर्ड नंबर पे गाइस जो, या फिर ये अगर टाई है तो सेकंड नंबर पे जिस पेन को मैं रखूँगा इट इज़ पेंटोनिक, ऑब्वियसली है ना, पेंटोनिक को मैं यहाँ रखना चाहूँगा गाइस। उसके बाद मैं जिस पेन को रखना चाहूँगा इट इज़ वेरी टफ, कौन सा पेन है गाइस? ओके तो तीसरे नंबर में जो मैं पेन रखना चाहूँगा गाइस वो है ये 5 वाले पेन हमारे, ये गाइस एक तो है हमारे पास फ्लेयर का हाइड्रा जेल है ना, फ्लेयर का हमारे पास गाइस ये जो हाइड्रा जेल है, और ये और इस पोजीशन पे भी टाई है गाइस, इसमें साथ में हमारा ये जो रेनॉल्ड्स का जिफी जेल है, ठीक है, ये भी साथ में आ जाता है गाइस। तो ये दो पेन्स हैं जिनको मैं बेसिकली रखना चाहूँगा हमारी कौन सी पोजीशन पे गाइस, थर्ड पोजीशन पे, ये दोनों पेन हमारी थर्ड पोजीशन पर रहेंगे गाइस, है ना। साथ ही साथ ये 5 रुपये के पेन है, तो 5 रुपये में अगर मैं आपसे बात करूँ तो डेफिनेटली ये दोनों बेटर पेन्स है ना, 5 रुपये में आई डोंट थिंक इनका और कोई कॉम्पिटिटर है। तो एक बार मैं इनको इनसे फिर से लिख के देखना है, इनके बीच में भी अगर आप विनर अनाउंस करवाना चाहते हैं तो। गाइज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड बिटवीन दीज टू, है ना। आप लोगों को गाइज कौन सा पेन पसंद है इन दोनों में से ज़्यादा? टाई ब्रेकर अगर आपको देना होता तो आप टाई ब्रेकर किसको देंगे गाइज? तो अगेन मैं पोजीशन बता देता हूँ, नंबर 1 पे मैंने आपको बताया रेनॉल्ड्स एंड ऑक्टेन, ठीक है, नंबर 2 पे मैंने आपको बताया पेंटोनिक, एंड नंबर 3 पे मैंने आपको बताया ये दो पेन्स, ये दो पेन्स इनके नाम क्या हैं गाइज, एक है हाइड्रा एंड एक है जिफी जेल, ठीक है। तो ये अगर बेसिकली गाइस आपकी स्क्वायर हैंड राइटिंग है, मतलब आप बहुत ज़्यादा बड़े अल्फाबेट स्क्वायर शेप के नाते, तो आई थिंक ये वाला बेटर रहेगा, और अगर आप गोल गोल अल्फाबेट्स बताना पसंद करते हो पास पास, तो आई थिंक हाइड्रा आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस आपका इनमें से फेवरेट पेन कौन सा, अगर आपको पोजीशन देनी होती तो आप किसको फर्स्ट, किसको सेकंड, किसको थर्ड देते गाइस, है ना। और कुछ सम ऑनरेबल मेंशंस गाइस, यहाँ पे जो मिंटेक्स का, जो मोंटेक्स का पेन है, अगर आपको गाइस एक आप बड़े हाथ हैं आपके बहुत ज़्यादा और आपको ये सारे पेन बहुत छोटे लग रहे हैं, तो गाइस यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है विच इज़ मोंटेक्स। साथ ही साथ अगर आपको बहुत ही मोटा पेन चाहिए जो बहुत ज़्यादा स्मूथ चले, एकदम स्मूथ मक्खन चले एकदम, मतलब है ना, तो बेसिकली यू कैन गो फॉर दिस पेन, ये काफ़ी मोटा सा है, ग्रिप भी इसकी कंफर्टेबल है और पकड़ने में भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, और इसका बड़ा साइज है, मतलब इतना पॉजिटिव वे में ये बात कह रहा हूँ, है ना, और लुक में भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको कुछ बड़ा पेन चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस मोंटेक्स पेन। और गाइज यहाँ पे जो मैं बोलना चाहूँगा गाइज जिसके बारे में, वो ये दो पेनों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है काफ़ी ज़्यादा। इन दोनों को मैं विनर्स की कैटेगरी में नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ये गाइज अलग टिप की जो टेक्नोलॉजी है वो अलग यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली ये दो पेन अपने आप में ही विनर्स हैं, ठीक है। इनका जो स्पेसिफिक यूज़ है वो मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया गया है, ठीक है। अब इनका वाटर प्रूफिंग टेस्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं हमारे विनर्स चेंज होते हैं कि नहीं, तो मैं यहाँ पर मैंशन कर। हम डिप करने वाले हैं तो आप देखते जाइए, इसका बनाता हूँ मैं रोल, ओके तो ये रोल बन चुका है, अब ये पूरा के पूरा आइटम जाने वाला है पानी में। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, देखिए इंक आना चालू हो गई है, इंक फैलना भी चालू हो गई है, काफी सालों की तो फैल भी चुकी है। रखते हैं थोड़ी देर और, जब तक हमारे विनर्स नहीं पता लग जाते हमको। ये देखो गाइस क्या हो रहा है, अच्छा डस्ट है।
ओके गाइस, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इनको अच्छे से गीले करने की। एक मिनट गाइस, इसको यहाँ रखता हूँ मैं। कुछ अच्छे से डुबाओ भाई, अच्छे से डुबाओ। ये देखो गाइस, हमने गाइस सबको बराबर डुबाया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ऐसा कोई भी, देखिए सारे पैन डूबे हुए हैं, ये पानी है, ये देखिए सब अच्छे से डूबा हुआ है। ओके, तो गाइज हमने काफी देर तक इसको डुबा के रखा हुआ है, अब हम देखते हैं निकाल के फॉर द फाइनल वर्डिक्ट क्या होता है। गाइज ये हमारे पास हमारा रिजल्ट आ चुका है, आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे, ये हमारे पास हमारा रिजल्ट है। आई गेस प्रॉपरली फोकस में है सब कुछ। ओके गाइज ये देखिए आप, तो ओके तो यहाँ पे मैं ज़रा देखता हूँ अब कि कैसा क्या हुआ है, हमारे विनर्स चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं गाइज। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो विनर था गाइस, कौन सबसे बुरा फैला, जिफी जेल। ओह माय गॉड, जिफी जेल ने धोखा दे दिया गाइस। जिफी जेल किधर हो भाई, बाहर निकलो जिफी जेल, जिफी जेल मतलब छुपका होंगे बड़ा। जिफी जेल गाइस बहुत ही बुरी तरह, सबसे बुरी तरह, मुझे ये समझ नहीं आया। अच्छा ये तो गीला ही नहीं हुआ, जिफी जेल बहुत ही बुरी तरह फैल गया है। तो गाइस इसको थर्ड पोजीशन पे से हम निकालते हैं, आप जिफी जेल बाहर जा सकते हैं। ओके फिर मिलना है गाइस हमारा हाइड्रा जेल, हाइड्रा जेल ने भी वाट लगा दिया गाइस। 5 रुपये का पेन था, दिखा दिया कि 5 रुपये का पेन है, ठीक है कि वो भी फैल गया गाइस। आप यहाँ पे देखिए हाइड्रा जेल, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस यहाँ पे ऊपर करता हूँ उसको फोकस। ओके ये देख सकते हैं गाइस आप यहाँ पे हाइड्रा जेल, आप देख सकते हैं स्मज हो गया। ये जिफी जेल था हमारा, ये देखिए जिफी जेल भी काफ़ी बुरी तरह स्मज हुआ है ना गाइस। जिफी जेल भी जा चुका है, ठीक है हाइड्रा जेल भी हमारा जा चुका है, ठीक है गाइस। ओके तो 5 जो थर्ड पोजीशन में मैंने 5 रुपये के पेन रखे थे गाइस, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है क्योंकि गाइस बारिश में क्या होता है ना, कई बार हमारे बहुत इंपॉर्टेंट, साल भर में एक बार बचपन की स्टोरीज सुनाता हूँ। मैं 5th क्लास में था, तो एक बार हमारी छुट्टी हो गई और ना उस टाइम ऑटो वगैरह नहीं चलते थे, सर टोंगा वगैरह चलते थे, ठीक है। तो मैं छोटा था, हम लोग स्कूल से बाहर निकले, बारिश हो रही थी, तो सारे जो टोंगा ऑटो थे वो कैंपस में आ गए थे, तो हम लोग सब इधर उधर हमारे प्लेग्राउंड में उछक रहे थे, ठीक है। तो मैं बहुत खुश था, पानी में छपा छप कर रहा था, मैं बहुत खुश था उस दिन। मैं पूरे दिन पूरे टाइम बारिश में भागता रहा, फिर मैं घर आया, घर आके जैसे ही मैं अंदर गया और मैंने मम्मी ने मेरी गेट खोला, तो यार उन्होंने इतना चिल्लाया मुझको कि, तो मुझे लगा यार हो सकता है भीग गया इसलिए चिल्ला रही, फिर देखा तो मेरी चेन खुली हुई थी पीछे की बैग की, और चेन भी बंद नहीं थी, मैं इतना खुशी से नाच रहा, कॉपी निकाली सारी कॉपी गिली। और गाइस कुछ ऐसा ही हाल हुआ था, ये ऐसा वाला कुछ हाल हुआ था मेरे साथ, तो आप फीलिंग समझ सकते हो मेरी अगर आपके साथ ये हुआ है, ये वाला हाल हुआ था कॉपीज का गाइस। और इतना दिल दुखता ना उस टाइम पे यार, तो मतलब आई थिंक 5 रुपये ज़्यादा लगाना इज़ अ बेटर ऑप्शन। हाँ अगर आपकी रफ कॉपी है तो आप डेफिनेटली ये यूज़ करो, बट फेयर कॉपी में डेफिनेटली मैं कहूँगा एटलीस्ट एक वाटर प्रूफ पेन लो। तो गाइज इसमें डेफिनेटली यार नॉट जिफी जेल, जिफी जेल फेल हो गया है, फ्लेयर भी फेल हो चुका है गाइज यहाँ पे, फ्लेयर का हाइड्रा जेल स्पेसिफिकली। और ये कौन सा पेन था, एड जेल भाई, एड बाहर निकलो तो ये देखो, एड ने बोला था कि वाटर प्रूफ है। ओके एड भी ने गाइस यहाँ पे बोला ही नहीं है वाटर प्रूफ है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है उसने बोला ही नहीं हटाओ। ओके तो एड भी गाइस यहाँ बहुत बुरी तरह फैल गया है, तो वाटर प्रूफिंग में सबसे बुरा जो इसने परफॉर्म किया दैट इज़ जिफी, उसके बाद सबसे बुरा जिसने किया है गाइस इट इज़ दिस हाइड्रा जेल, उसके बाद हमारे पास है हमारा एड का, और सबसे बुरा परफॉर्म करने वाला गाइस। तो इन चारों पेनों ने बहुत ही घटिया परफॉर्म किया है, और ये सबसे नीचे हैं वाटर प्रूफिंग में, बाकी सब ने गाइस बढ़िया परफॉर्म किया। यहाँ पे हम देखेंगे बाकी पेन्स में गाइस, तो पेंटोनिक में कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला, क्लासमेट के ऑक्टेन में कुछ नहीं मिला, हमारे पास मॉन्टेक्स का विनर है, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, रेसर जेल भी ठीक है, ठीक है। और ऑक्टेन की तरह ऑक्टेन भी बढ़िया है, रेसर जेल भी बढ़िया है, टेक्नो जेल जो फ्लेयर का था ये भी गाइस इसने 10 वाला पेन इसने बेटर परफॉर्म किया है यहाँ पे, और उनोमैक्स जेल्ट्रॉन इसने भी बढ़िया परफॉर्म किया है, गोल्डेक्स का कीवी जेल भी नहीं फैला है, ठीक है। और कार्बोनिक्स जेल भी हमारे पास बढ़िया है,
और ये जो तो हमारे पेन थे नीचे वाले, तो गाइस लग्जर का जो है बुरा हाल हुआ है, लग्जर यहाँ पे ये जो वाला जो पेन था हमारे पास क्या गाइस, तो ये जो लग्जर का ये जो पेन था इसका बुरा हाल हुआ, ये फैल गया, ये वाला पेन नहीं फैला है, ठीक है। तो अब मैं बिना किसको अनाउंस करूँगा गाइस, अगेन ये वाला पेन अगर आपको वो वाले फैक्टर्स की वजह से चाहिए, डिज़ाइन टॉर्क वगैरह वाला फैक्टर तो डेफिनेटली है, बट इंक के लिए डेफिनेटली यार ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। रोरिटो का पेन इज मच सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ इंक क्वालिटी एज कम्पेयर टू दिस लग्जर ग्राफिक, है ना गाइस। तो मैं मेरे विनर्स में कुछ चेंज करना चाहूँगा, ओके गाइस। तो ये देखने के बाद मेरे जो विनर्स अभी यहाँ पे हैं, अगेन वो वही रहेंगे, हमारे नंबर वन पोजीशन पे हमारा गाइस रहेगा ऑक्टेन और हमारा रेसर जेल, इन दोनों में एक टाई रहेगा फॉर द फर्स्ट पोजीशन। सेकंड अगेन मैं बोलूँगा हमारा पेंटोनिक ही रहेगा फॉर द बिल्ड क्वालिटी, किसकी थी इनके मामले में दूसरे पेन भी बेटर थे बट बिल्ड क्वालिटी और लुक ओवरऑल तो मैं पेंटोनिक को देना चाहूँगा द सेकंड प्लेस, ठीक है। थर्ड प्लेस जो हमारे पास रहेगी गाइस वो मैं डेफिनेटली ये देखने के बाद हाइड्रा जेल जो हमारा था कहेंगे हाइड्रा जेल ये रहा और जिफी जेल, है ना, जिफी जेल की तरह भाई जिफी घूम जाता है यार, जिफी ये रहा जिफी जेल को नहीं देना चाहूँगा, इनको हम हटा देते हैं गाइस, ओके। तो थर्ड पोजीशन अब हम किसको दें सवाल उठता है, तो गाइस इससे सबसे बेटर जो फॉर्म किया है थर्ड पे वो मैं कहूँगा गाइस ये जो हमारे पास पेन है कार्बोनिक्स, है ना गाइस, ये जो फ्लेयर का कार्बोनिक्स था इवन तो ये 5 रुपये का पेन है बट ये वाटरप्रूफ रहा गाइस, है ना। तो ये वाला कार्बोनिक्स इन दोनों को हटा के गाइस मैं यहाँ पे ये पोजीशन देना चाहूँगा कार्बोनिक्स जेल को, ठीक है। और इसको में भी मैं टाई पोजीशन टाई करूँगा गाइस कार्बोनिक्स जेल के साथ मॉन्टेक्स का ये वाला पेन, ओके गाइस। तो दीज आर द विनर्स, द फर्स्ट पोजीशन, द सेकेंड पोजीशन एंड द थर्ड पोजीशन, ठीक है। तो गाइस ओके गाइस, तो ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो गाइस बिटवीन ऑल दीज पेन्स। अब आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा है इनमें से आप मुझे देख के बताएं गाइस, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड देते तो किसको देते, है ना। साथ ही साथ गाइस हमारे पास काफ़ी सारे पेन्स हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जिनका रिव्यू मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। हमारे पास ट्राइमैक्स, रेनॉल्ड्स के और भी काफ़ी सारे ब्रांड के ये पेन हैं गाइस, इनके रिव्यूज़ हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारे पेन्स हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, इन सभी के रिव्यूज़ हम आपके लिए लेके आने वाले हैं गाइस। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट यार को ताकि आप ऐसे वीडियोस और काफ़ी ज़्यादा और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना करें, ठीक है। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।